नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन कह सकते हैं, फ्रेश जो है प्रेस रिलीज निकला है एकदम आज का ही 23 को, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस की वैकेंसी है उनसे रिलेटेड बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो निकल रही है उससे रिलेटेड बहुत ही शानदार जो है खबर, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 23/5/2022 को आज का ही जो है दैनिक भास्कर में कटिंग आ चुकी है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको ये जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उदयपुर 23/5/2022 भास्कर एक्सक्लूसिव, अभी जो है RNT के 6 अस्पतालों में 20 केंद्र 41 हो जाएंगे, ठीक है। प्रदेश में खुलेंगे 241 नए दवा वितरण केंद्र और 21 जो है उदयपुर में 723 पद होंगे, ठीक है। कंप्यूटर फर्नीचर उपकरणों के लिए हर केंद्र को जो है 3.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अपन जो है काम की चीज़ की बात करेंगे यहाँ पर। प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेजों में करीबन जो है 241 दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे, इसके लिए निदेशालय ने हाल ही में आदेश जारी किया। इन केंद्रों में से 21 उदयपुर में के RNT मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे। अभी जो है यहाँ पर 20 केंद्र है और 21 नए होने पर 41 हो जाएंगे। प्रदेश भर के केंद्रों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन केंद्रों पर फार्मासिस्ट, कंप्यूटर कर्मी, हेल्पर आदि सहित 3-3 के स्टाफ की नियुक्ति होगी। ऐसे में 723 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा उदयपुर के 21 दवा वितरण केंद्रों में 21 फार्मासिस्ट, 21 कंप्यूटर कर्मी और 21 ही हेल्पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे मरीजों के जो है और तीमार दरों को सहूलियत होगी। उसके अलावा RNT मेडिकल कॉलेज के अधीन 6 अस्पतालों में भी 20 केंद्रों में, बता दें कि 5 दिन पहले ही चिकित्सा विभाग ग्रुप प्रथम के संयुक्त शासन सचिव इकबाल खान ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजमय सोसाइटी के तहत संचालित मेडिकल कॉलेज जो भी है मैं संविदा पदों पर आधार पर जो वैकेंसी है 3413 पद भरने के आदेश जारी किया था, यानी कि आदेश जो है जारी हो चुका है। 3413 पद रहेंगे, ये पद नर्सेज और वार्ड अटेंडेंट के रहने वाले, ठीक है। उदयपुर के RNT के लिए जो है 317 पद मंजूर किए गए, यानी कि यहाँ पर पर्सनली जो है स्पेशल रूप से RNT के 317 रहेंगे, टोटल 3413 पोस्ट रहेगी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड और वार्ड अटेंडेंट की, जहाँ पर GNM BSc नर्सिंग धारी आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ANM के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर रहेगी ये, और यहाँ पर जो है नर्सिंग की जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। 3413 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी जो है जल्द होने वाली है, स्वीकृति मिल चुकी है, बस इंतज़ार है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और जो है फॉर्म भरने की डेट की। तो वो जैसे ही आ जाएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल और पीजे वैकेंसी अब यूट्यूब चैनल को आप दोनों को सब्सक्राइब करके रखें और पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो जैसे ही वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरने की डेट आएगी, सबसे पहले PDF मिल जाएगी और फॉर्म भरने की लिंक भी मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य जो था 241 नए दवा वितरण केंद्र जो है वहाँ पर भी आपको रोज़गार मिलेंगे। एक को जो है 3 के हिसाब से यदि देखें तो 723 पदों पर जो है वो भी भर्ती होगी और ये 3413 पर नर्सिंग की वैकेंसी और वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी। तो जल्दी इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, सबसे पहले आपको हम बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मत पूछ लेना कि कब आएगी, क्योंकि बहुत जल्द आ जाएगी, जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।